fart sound. Yes, I got it. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPPCAS की 19 जून को हुई परीक्षा निरस्त करने के बाद हुए बवाल के मामले में गिरफ्तार प्रतियोगी छात्र छात्राएं बुधवार को निजी मुच्छ लक्के पर रिहा कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि घटना में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल परीक्षा को देखते हुए इन्हें रिहा किया गया है। हालांकि इसी मामले में गिरफ्तार की गई सपा प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह को रिहाई नहीं मिल सकी है। PCAS 2017 की मुख्य परीक्षाएं 18 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलनी है। 19 जून को सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होना था। राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर सुबह प्रथम की जगह द्वितीय पाली का निबंध का प्रश्न पत्र बांटे जाने पर हंगामा हो गया। जानकारी पर आयोग में भी हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद पटाघाट सहित पर भी वायरल हो गया। आन फानन में आयोग की ओर से 19 जून की परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। उधर प्रतियोगियों का आरोप था कि साजिशन गलत प्रश्न पत्र बांटा गया, ऐसे में पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी जाए। इसी मांग को लेकर प्रतियोगियों ने आयोग गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 6 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। देर रात आयोग चौराहे के पास एक बस में आग लगा दी गई। इस पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ऋचा सिंह समेत 8 प्रतियोगियों को हिरासत में ले लिया गया। देर रात इनके खिलाफ बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट समेत अन्य धाराओं में सिविल लाइन्स थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। ऋचा के अलावा जिन 7 प्रतियोगियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उन्हें 21 जून को होने वाली समाज कार्य समेत अन्य विषयों की मुख्य परीक्षा में शामिल होना था। ऐसे में साथी प्रतियोगी छात्र बुधवार सुबह से ही उन्हें रिहा कराने की कोशिशों में जुट गए। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र सुबह 7 बजे ही SSP नितिन तिवारी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। साथ ही उनसे परीक्षा की दुहाई देते हुए गिरफ्तार छात्र छात्राओं की रिहाई की मांग की। जिसके बाद SSP के आदेश पर सिविल लाइन्स पुलिस ने निजी मुच्छ लक्के पर 7 प्रतियोगियों को रिहा कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में थाने में प्रतियोगी छात्र जुटे रहे। SSP इलाहाबाद नितिन तिवारी ने बताया कि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वे बेहद गंभीर हैं। हालांकि उपरोक्त 7 प्रतियोगियों की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। परीक्षा को देखते हुए इन्हें निजी मुच्छ लक्के पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस मामले में 7 प्रतियोगियों की भूमिका की जाँच में जुटी है। जांच के दौरान मामले में किसी तरह की संलिप्तता पाए जाने पर इन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस संबंध में गारंटर बने लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि उपरोक्त प्रतियोगी जांच में हर तरह से सहयोग करेंगे, साथ ही जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष उपलब्ध होंगे। ऋचा सिंह के खिलाफ पुलिस के पास साक्ष्य हैं, ऐसे में उन्हें रिहा नहीं किया गया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तारी के बाद 7 प्रतियोगियों ने खुद को निर्दोष बताया। देखिए, कल PCS का जो पेपर था उसमें सेकंड पाली का जो पेपर था वो फर्स्ट पाली के पेपर में रिप्लेस हो गया। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स में कुछ नाराज़गी मौके पर जाहिर हुई थी और उसके बाद भी करीबन 12 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7:30 बजे तक करीबन स्टूडेंट्स के द्वारा जाम भी लगाया गया और काफ़ी रोष भी व्यक्त किया गया। उसके बाद शाम को कुछ वॉयलेंस की घटना घटित हुई जिसमें एक बस को आग के हवाले किया गया। पुलिस ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए इसमें FIR दर्ज की है और इसमें करीबन 8 लोगों को मौके से पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की गई। एक अभियुक्त को पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो जेल जा चुके हैं। बाकी के 7 अभियुक्तों को, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था कल की डेट में, तो उनसे अभी और पूछताछ बाकी है, तो उनसे पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनको एक बॉन्ड पर और मुचलके पर छोड़ा गया है।
देखिए मौके पर उस समय वो लोग मौजूद थे और मौके पर मौजूदगी के दौरान वायलेंस की घटना घटित हुई और आपको जैसे कि जानकारी होगी लीडरशिप रोल कुछ लोगों ने वहाँ पर अज्यूम किया था और किसी भी शांतिपूर्ण धरने की परमिशन या इजाज़त संविधान देता है, किसी भी जहाँ पर भी शांति डिस्टर्ब होती है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी फिक्स होती है। हाँ, उनके बयान भी अभी और दर्ज होने हैं, उनसे और विस्तृत पूछताछ की जानी है, कौन कौन लोग मौके पर थे, क्या थे, उनके क्या नाम थे, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और भी बहुत सारी बातें उनसे पूछी जा रही है। हाँ जी, पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाएगा। पूछताछ में पुलिस अफसरों से कहना कि वह केवल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, आयोग गेट के पास हुए बवाल में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इस बारे में सीसीटीवी फुटेज आदि देखकर पुष्टि की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि प्रतियोगियों के बयान की जांच की जा रही है। सिविल लाइंस थाने में मौजूद प्रतियोगियों ने करियर की दुहाई देते हुए मीडिया से अपने नाम न प्रकाशित करने की बात कही। 7 में से 4 छात्र जबकि 3 छात्राएं हैं। छात्रों को जहां सिविल लाइंस थाने में रखा गया, वहीं छात्राओं को रात में आशा ज्योति केंद्र में रखा गया। सुबह बिली अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद छात्राओं को महिला थाने ले जाया गया। इसके बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। 3 छात्राओं में 1 हरदोई व 1 बहराइच की रहने वाली है। उधर छात्रों में 2 शहर के ही है जबकि 2 लोग गोरखपुर और बस्ती के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए प्रतियोगी छात्र छात्राओं की परीक्षा न छूटे, साथ ही उनका भविष्य न बर्बाद हो, इसके लिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने हाथ बढ़ाया। पीसीएस समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने बताया कि समिति सदस्यों समेत कुल 14 लोगों ने गारंटर बनकर निजी मुचलका भरा। अवनीश ने बताया कि पीसीएस मेंस 2017 की परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को लेकर उन्होंने पूर्व में ही आयोग अफसरों को ज्ञापन सौंपा था, इसके बावजूद लापरवाही की गई। नतीजतन इतनी बड़ी घटना हुई और हालात यह बने कि परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई उससे किसी साजिश की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पेपर निरस्त किए जाने के बाद हुए बवाल और बस जलाने की घटना में गिरफ्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष शिवचा सिंह को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश प्रभारी सी जेम ने दिया है। लोक सेवा आयोग में चल रही पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र निरस्त किए जाने के बाद छात्रों द्वारा विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान हंगामा कर तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसमें पुलिस ने विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष शिवचा सिंह सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए इलाहाबाद ब्यूरो की रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।